अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। आपके पास पार्ट बी है, 6 होल 1/5 माइनस ब्रैकेट में -3/4 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट -4 होल 1/10। अब आप इसका सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे, सबसे पहला काम आपने क्वेश्चन को नीचे वापस राइट करना है सॉल्यूशन लिखने के बाद, ठीक है। इक्वल साइन मस्ट है, 6 होल 1/5 माइनस -3/4 प्लस -4 होल 1/10, ठीक है। पहला काम तो यही क्वेश्चन को राइट कर लिया। अच्छा, सेकंड स्टेप आपके पास क्या होता है, आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको ये मिक्स फ्रैक्शंस दी गई हैं, इनको सॉल्व करना है। और सॉल्व करने का तरीका क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपको मिक्स फ्रैक्शन दी गई है और यहाँ पर भी, ठीक है। अब आप देखें, 6 5s are, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 6 5s are 30 प्लस 1 31, 31/5, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं कर रही, एज इट इज़ लिख रही हूँ। 3/4 सब वैसे लिखा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट भी लगा दी। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे खोलेंगे आप, 4 10s are 40, माइनस साइन बिल्कुल चेंज नहीं होगा, 4 10s are 40 और प्लस 1 41/10, ठीक है। यहाँ तक कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। और ब्रैकेट्स ओपन करने के लिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर ये साइंस बताए थे, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये आपने याद रखना है, इसके अकॉर्डिंग हम साइन खोलेंगे। तो माइनस माइनस ओपन होगा आपके पास किस तरह से, 31/5 माइनस माइनस प्लस 3/4 प्लस माइनस माइनस 41/10, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास एक ही काम रह गया, देखें बीच में प्लस माइनस साइन है, डायरेक्ट हम क्या लेंगे यहाँ पर, एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम किस तरह से लेंगे, आप इस तरह से साइड पे कर लें, आपके पास 4 है 5 है 10 है, ठीक है, 4 है 5 है 10 है, यहाँ लिख लें। अब 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे, 4 और 10 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 2s are 4, 5 नहीं आता 2 के टेबल में, उसको नीचे लिख दें ऐसे ही, ठीक है। 2 5s are 10, दोबारा 2 के टेबल से करें तो 2 1s are 2 और 5 ये वाला भी नहीं आता, और ये 5 भी हमने नीचे लिख दिया क्योंकि 5 2 के टेबल में नहीं आता। अब 5 के टेबल से करें तो 5 के टेबल से करेंगे तो 1 एज इट इज लिखें, 5 1s are 5, 5 1s are 5, और आपने जब तक करते रहना जब तक एंड पे 1 ना आ जाए। तो हमारे पास आ गया, तो अब हमारे पास यहाँ पे जो आपने जिनको करवाया है तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 2 और 5, 2 2s are 4, 4 5s are 20, तो एलसीएम क्या आ रहा है, 20, ये आपके पास एलसीएम है। अब आपने यहाँ पर लेना है ये एलसीएम, किस तरह से लेंगे आप चेक करेंगे, 5 कितने ज़ार 20 होता है, 4 कितने ज़ार 20 होता है, और 10 कितने ज़ार। तो 5 को अगर 5 का टेबल आप रीड करें तो 5 4s are 20, 4 कितने ज़ार 20, 4 5s are 20 और 10 2s are 20। लेकिन मैंने आपसे कहा था जब हम डिनोमिनेटर में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें न्यूमिरेटर में मस्ट करना पड़ता है, ठीक है, जिस नंबर से करेंगे उसी नंबर से। 5 को 4 से किया ना, 31 को भी 4 से करें, 4 को 5 से किया ना तो 3 को भी 5 से करें, 10 को 2 से किया है तो इसके ऊपर न्यूमिरेटर को भी आप 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। उसके बाद आपके पास 31 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास होता है 124, यहाँ पे आप लिख लें 124, ठीक है। और अपॉन 5 4s are 20 होता है, ठीक है। 3 5s are आपके पास क्या होता है, 15, तो आप यहाँ पर लिखें 15, ठीक है। और 4 5s are आपके पास क्या होता है यहाँ पर, 20, क्योंकि हमारा एलसीएम क्या आया था, 20, तो आप नीचे 20 लिखें, माइनस साइन एज इट इज़ लिखें, ठीक है। और अब 41 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1s are 2 और 2 4s are 8, आपके पास होगा 82 और नीचे 10 2s are 20, ठीक हो गया, इस तरह कर लिया आपने। अब देखें ओवरऑल नीचे सबके नीचे 20 सेम है, तो आप क्या करेंगे, इसको एक बार ही लिख देंगे, इस तरह से लाइन लगाएंगे और 20 एक बार लिख देंगे, इन सबको साथ लिख दें, 124 प्लस 15 माइनस 82, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 124 और 82 को माइनस कर लें, ठीक है, 124 माइनस 82 इस तरह से कर लें, 124 और 82 इन्हें आपने क्या करना है, माइनस करना है ना, 4 माइनस 2 आपके पास 2, यहाँ से 12 हो जाएगा, माइनस को कैरी देगा तो 12 माइनस 8 आपके पास 4, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 124 और 82 को माइनस करो तो आपके पास आंसर आ रहा है 42 प्लस 15 एज इट इज़ लिखें और अपॉन 20,
ठीक है, इस तरह से आपके पास क्या आ गया, 42/20। फिर आपके पास 42 + 15 यहाँ पर क्या होगा, 57/20। देखिए यहाँ पर 42 + 15, 5, 4, 6, 7 दोनों को ऐड किया, 4 और 1, 5। ठीक है, इस तरह से आपने यहाँ पर 57 लिखा। अब आपने क्या करना है, मैंने आपसे कहा था लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो हमने इसको कहा था कि ये आपके पास आंसर है, क्यों, क्योंकि न्यूमिनेटर आपके पास 3 छोटा था और नीचे डिनोमिनेटर बड़ा था, हमने इसको आंसर कर दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए इसका उलट है, न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो आपने डिवाइड करना है। पहले आपने चेक करना है क्या ये दोनों किसी एक टेबल में आते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये किसी एक टेबल में नहीं आते। अब आपने क्या करना है, इनको साइड पर इस तरह से डिवाइड करें, ठीक है, 57 और 20। अब आप इनको डिवाइड करें, 20 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 0 2 2 4, तो 40 आता है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करें आपके पास 40 आएगा। ठीक है, और उसके बाद आप इनको यहाँ पर लिख लें 7 और 0, यहाँ पर 0 और 5 - 4 आपके पास 1। ठीक है, आपके पास नीचे आ रहा है 17। अब आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह से लिखना है आंसर, किस तरह से आप इसको लिखेंगे, देखिए इस तरह से एरो लगा दिया करें, 1 मतलब आपने एक सर्कल बनाना है नीचे से ऊपर, इसको साइड पे और इसको नीचे। अब देखें ऐसा मैंने क्यों किया है, यहाँ पर देखें 17 कहाँ जाएगा, ऊपर, आप ऊपर लिख दें 17। 2 कहाँ जाएगा, साइड पे, तो 2 को आप लिखें साइड पे। 20 कहाँ आएगा, नीचे, तो 20 को आप लिखते हैं नीचे इस तरह। दूसरा तो आप इस तरह से भी मतलब इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जिनको डायरेक्ट आता है, जिनकी इसमें मिस्टेक हो जाती है उनके लिए ये है कि आप इस तरह से एरो लगा दिए करें कि 17 ऊपर लिखना है, 2 साइड पे, ठीक है, 20 का आ रहा है नीचे, तो इस तरह से आपके पास ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, और ये जो साइड पे मैंने किया है ये आपने नहीं लिखना, ये जस्ट रफ वर्क है आपको समझाने के लिए। ठीक है,